कल की एक बात देख लीजिए, फॉर्मूला सही लिखा था लेकिन उसको इंटरप्रिटेट जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग तरीके से किया। वेरिएंस में जो आपने फॉर्मूला लिखा था, जब आप डेटा को चेंज कर देते हो, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड से जब करते हैं, तो वेरिएंस के लिए जो आपने फॉर्मूला लिखा था सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लास्ट में आपका आया था एच स्क्वायर, और यहाँ पर आपका यूआई के साथ जो फॉर्मूला बनता था सिग्मा एफ आई यूआई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन माइनस सिग्मा एफ आई यूआई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन का होल स्क्वायर, आपने ये फॉर्मूला लिखा था। और यहाँ पर ये लिखा था कि जो यूआई है वो ऑब्जर्वेशन में से एच से डिवाइड, तो इसको अपन ने नए डेटा हमारे पास हो गया यूआई, पुराना डेटा हमारे पास एक्सआई, पुराने डेटा के वेरिएंस को हमने डेल्टा एक्स स्क्वायर से डिनोट किया, देयरफॉर डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आया एच स्क्वायर इनटू डेल्टा यू स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ऐसा कि डेल्टा यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो होगा, सॉरी गामा यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा वन अपॉन एच स्क्वायर गामा। तो ये है मेन, और आप यदि इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्टैंडर्ड डेविएशन बने, तो ये बराबर होगा वन अपॉन मॉड एच, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो ये है बेसिक फॉर्मूला। तो जो कल अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला यही लिखा था सेम, प्रॉपर्टी जो लिखी थी वो भी सही लिखी थी, लेकिन लास्ट में जो स्टेटमेंट लिखाते वक्त आपसे मेरे से जो गलती हुआ वो ये कि एच स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड हुआ है, तो एच स्क्वायर से डिवाइड जो होता है वो नए ऑब्जर्वेशन वाला नहीं होता, पुराने ऑब्जर्वेशन के जो डेटा है उससे डिवाइड होता है। मतलब कहने का ये है कि हमने कोई डेटा गिवेन है उसका हमने वेरियंस फाइंड किया, तो वेरियंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है एक्स आई के लिए, वो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला ये है सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, या सिग्मा एफ आई लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह पर, यहाँ भी एन लिखा तो यहाँ पर भी एन लिख दो, ये एन और यहाँ पे भी कैपिटल एन, ये होता है फॉर्मूला। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, लेकिन यदि आप अब डेटा को छोटा करके वेरिएंस फाइंड करें, मतलब मैं डेटा में चेंज कर रहा हूं और हर ऑब्जर्वेशन में हमने कुछ सबट्रैक्ट करके एच से डिवाइड भी कर दिया है, तो एच से डिवाइड करने के बाद नए ऑब्जर्वेशन यूआई बने, तो यूआई से जो आपको वेरिएंस मिलेगा उसको यदि एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये वेरिएंस ऑफ ओरिजिनल डेटा मिलेगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि न्यू ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस है वो पुराने ऑब्जर्वेशन के वेरिएंस को एच स्क्वायर से डिवाइड करके मिलेगा, मतलब बिल्कुल सेम ऑपरेशन होता है, यदि आपने एच से डिवाइड किया है तो ही आपने एच से डिवाइड करना है, यदि यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई होता, तो रिजल्ट सेम लिखा था, बता कल मैंने आपको उल्टा दिया था, ठीक है, जिसके कारण आपके सारे आंसर रॉन्ग हो रहे होंगे। सीधा सीधा आप याद रखिए कि हर ऑब्जर्वेशन को यदि किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएंस भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सॉरी वेरिएंस जो है सेम नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां पर ये यदि आप हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो वेरिएंस भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो ऑपरेशन आपने सेम रखना है। यदि आपको इस बात को अपन वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऐसा एक मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन अपन इस पे बेस करेंगे, जैसे दो तीन सवाल वेरिएंस के और स्टैंडर्ड डेविएशन पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और लगभग सारे आपके गलत हो रहे होंगे, क्योंकि फॉर्मूला अपन ने कल यही लिखा था लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टी आई थी इसको देख के मैंने कहा एच स्क्वायर से डिवाइड करना, ये ऐसा नहीं है, आप इसको ऐसा समझेंगे कि नए डेटा का जो वेरियंस आपने निकाला है वो
पुराने डेटा से जो वेरिएंस आता है उसको एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तब जाके नए डेटा का आपको वेरिएंस मिलेगा। मतलब यदि आपने पुराने डेटा को एच से डिवाइड किया है तो पुराने डेटा का वेरिएंस एच स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। यदि पुराने डेटा को आप एच से मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएंस जो है वो एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके स्क्वायर। मतलब ऑपरेशन सेम रहता है, हर ऑब्जर्वेशन का यदि आप स्क्वायर करते हो, सॉरी हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वेरिएंस उस नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना आप ध्यान में रखिए, रिजल्ट यही है, सेम है, और इसको याद भी सेम ही रखना है कि जैसा किया है ऑपरेशन। मतलब जो प्रॉपर्टी कल आपको लिखाई थी कि हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी फर्क नहीं आता, बट जब आप हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस सेम नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम नंबर के मॉड्यूलस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट है जो कल का स्टेटमेंट आपको बताया था उसमें ये थोड़ा सा करेक्शन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी कोई इसमें डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। कल आपको बताया था, यही चीज बताई थी, फॉर्मूला भी सेम लिखा था और उसका एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हो गया था, तो उसको आप ध्यान में रखिए कि वो एच स्क्वायर यहाँ पर देख के मैंने आपको बोला था कि वहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। ये इसको आप ऐसा समझिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और अब ये बात जो है वो आपके समझने की है कि यदि मैंने पुराने डेटा को एच से डिवाइड किया है तो पुराने डेटा के वेरियंस जो है वो एच स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, इतनी बात है। या आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि नए डेटा का वेरिएंस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखें। कुछ क्वेश्चन अपन इस पर बेस कर रहे हैं, इस बात में आपको कुछ और डाउट है अभी तो पूछ लीजिए। तो 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन अपन इस पर कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स पर बेस आप उनको ट्राई करिए। चलते पेज नंबर 2 पर, कोई डाउट अभी भी आपको इसको लेके है मन में है तो पूछ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, तो क्वेश्चन देखें। फिर भी क्लियर हो गया तुमको? यस सर। फिर भी होगी, सो गई? हाँ सर। वाइज नहीं आ रहा तुम्हारा? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर्स। और अप टू 47 कितना होगा? आपके ऑप्शन है √17/12 या स्क्वायर रूट ओवर 47 का स्क्वायर -1/12 या इट इज 2√6 या फिर इट इज 4√2, विच वन इज करेक्ट? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज डेटा, ओके, सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, वेरी गुड।
क्या पहले क्वेश्चन में फंस गए तुम लोग? अभी तो हम शुरू ही हुए थे। तो जब तक ट्राई करिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। F2 data sets, each of size 5, the variance are given by और इसकी जगह फॉर कर लेना। Four, five, and corresponding means are two and four respectively. The variance of combined sign. कंबाइंड सेट का वेरिएंस कितना है? इट इज 5/2, 11/2, 6 और 13/2, विच वन इज करेक्ट? अब फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लें। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने ये पढ़ा अभी कि आप यदि हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं आता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन 31 से 47 तक दिए थे, इन सारे ऑब्जर्वेशन में मैं 30 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। यदि 30 सब्ट्रैक्ट कर दोगे हर ऑब्जर्वेशन में तो आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो ये बन जाएंगे। अब आपको पहले 17 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कल आपने n नेचुरल नंबर के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा था, इट इज स्क्वायर रूट ओवर n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, 10 की जगह पर आप 17 डाल दीजिए, इट इज 17 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 व्हिच इज 289 डिवाइडेड बाय 12, 12 से कैंसिल करोगे 24 आएगा, इट इज 2√6, तो 2√6 इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2√6 है। कल्पेश चौधरी सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट। फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन आता है तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। प्रॉपर्टीज आप इंपॉर्टेंटली याद रखिए, हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अपन हर ऑब्जर्वेशन में से कोई सुटेबल नंबर सब्ट्रैक्ट करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो वही आएगा जो ओरिजिनल डेटा के लिए आता है। इसलिए अपन ने डेटा को थोड़ा सा इजी कर लिया। अब पहले एन नेचुरल नंबर जैसे ही मिले तो कल अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो लगा दिया एंड वी गेट द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2√6 है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता सेकेंड करेक्ट है। तो आप इसके लिए बस फॉर्मूला याद रखिए, इसके लिए भी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखा है कंबाइंड वेरिएंस निकालने के लिए, कंबाइंड डेटा का वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला आप लिख लें। कल आपको बताया था सांग्या फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन में। सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन वन प्लस एन टू, फिर एन वन इन टू सिग्मा वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर और एन टू इन टू सिग्मा टू स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर, वेयर डी वन जो है वो एक्स वन बार माइनस एक्स बार और डी टू जो है वो एक्स टू बार माइनस
ये फॉर्मूला कल आपको बताया था, ये लगा देने का एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, तो पहला हटा दे रहा हूँ, दूसरे को सॉल्व कर दे रहे हैं अपन। दूसरे का सेकंड का सॉल्यूशन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा होगा, सबसे पहले तो आपको x बार निकालना है और आपको ये पता है कि वेरिएंस 4 और 5 है और जो मीन है वो 2 और 4 है और 5 5 ऑब्जर्वेशन है। मीन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था n1 x1 bar n2 x2 bar upon n1 plus n2। by this formula we get 5 into 2 10, 5 into 4 20 upon 30, so sorry upon 10 equals to 3। तो x bar 3 आ जाता है। अपन d1 d2 निकाल लेते हैं, तो d1 हो जाएगा x1 bar, d1 जो है वो इट इज x1 bar minus x bar है और आपको जो मीन दिया है वो है 2 minus 3 और d2 निकालेंगे इट इज x2 bar minus x bar विच इज 4 minus 3। अब आपके पास सब कुछ आ गया, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 upon n1 n2, 5 plus 5 10 हो जाएगा, n1 5 है, सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 1 वेरिएंस 4 और d1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और प्लस n2 5, सिग्मा 2 का स्क्वायर 5 प्लस d2 स्क्वायर 1, इसको ओपन कर दीजिए तो 1 upon 10, 25 30, इट इज 55 by 10, इट इज 11 by 2। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है, कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। फॉर्मूला याद रखना बस ये वाला, उससे आ जाता है वेरिएंस। Moving on to the third question, take the screenshot of this page. चलिए third page पर आते हैं हम, अगला question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इन सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशंस half of them be equal to e and remaining half equal to minus a if sd is 2। तो आपको बताना है मॉड ए का वैल्यू कितना। आपके ऑप्शंस हैं √2/n, √2, 2 या फिर 1/n, विच वन इज करेक्ट। चौधरी कल्पेश करेक्ट है। संकेत तुपकर करेक्ट।
पीवी गुप्ता चेक करें, चलिए देखिए सॉल्यूशन कहाँ पर आप रॉन्ग हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको मतलब सॉल्यूशन में ऐसा बोला है कि आपके पास ए ए ए ए ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, ये एन ऑब्जर्वेशन है और ये एन ऑब्जर्वेशन है, टोटल टू एन ऑब्जर्वेशन। तो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको पहले मीन रिक्वायर्ड होता है। तो जब आप इसका मीन निकालोगे तो मीन तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि इन सबका ऐड करके बाई टू करना है, आपने बाई टू एन करना है, तो मीन तो जीरो आता है। और आप जानते हो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला होता है या वेरियंस का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये होता है। मीन तो जीरो हो गया, बस आपको क्या करना है, सो देयरफॉर बाय दिस फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू, ये सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम करोगे, इन सारे ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर टू एन टाइम्स आएगा। तो ये जो आएगी क्वांटिटी, ये आती है टू एन टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू एन है और ये चीज तो आपकी जीरो, तो therefore सिग्मा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, टू एन कैंसिल हो जाता है। अब ये आपको दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन दो, तो वेरिएंस हो जाएगा चार, दो का स्क्वायर तो ए स्क्वायर चार आएगा, तो therefore मॉड ए का वैल्यू टू आएगा, तो मॉड ए टू आएगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें इसको, खत्म हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर चार, पेज नंबर चार, the mean of numbers a b 8 5 10 is 6 and variance is 6.80, then which option is correct? First aapko diya hai a ka value 5, b ka value 2 hoga, a ka value 1, b ka value 6 hoga, ए का वैल्यू तीन बी का वैल्यू चार होगा, या फिर ए जीरो आएगा और बी सेवन, विच वन इज करेक्ट? सर वो 6.80 है ना?
संकेत चुप कर, आपका आंसर गलत हो गया। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। सॉल्व करते रहिए जब तक मैं भी ले जा रहा हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले जो मीन का कंसेप्ट है, यदि आप वो लगाओगे तो इन सभी का सम 10, 5, 15, 18, 23 प्लस 1 प्लस 20 पांच ऑब्जर्वेशन है, मीन आपको 6 दिया है, तो यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू 30 माइनस 23 7 आ गया। ये तो पहली इक्वेशन आ गई और ए प्लस बी 7 सारे ऑप्शन में है, इसलिए क्रॉस चेकिंग यहाँ से जमता नहीं। तो दूसरा आपको ये और बी में एक रिलेशन और निकालना पड़ेगा, वो वेरिएंस से आएगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अपन लगाते हैं, वेरिएंस हमको दे रखा है 6.80 और वेरिएंस होता है सारे ऑब्जर्वेशन की स्क्वायरिंग का सम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64 प्लस 25 प्लस 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 माइनस मीन का स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 159 माइनस का 180 प्लस का 9 यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 25 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 आता है, ये दूसरा रिलेशन आ गया। और अब इन दोनों को सॉल्व करके इजीली बता सकते हो, दिस इज द करेक्ट। दो नंबर से इनके स्क्वायरिंग का सम 25 चाहिए और सम 7 चाहिए, यही आपको सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक बना के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चेक कर लीजिए आप कहाँ पर गलत हो गए। Moving on to the next question, question number 5. The question is, the variance of first 50 even natural number पहले 50 natural numbers का variance कितना? आपके ऑप्शन है 833/4, 833, 437 या 437/4। पहले फर्स्ट 50, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट आएगा नहीं, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर पहले 50 इवन नेचुरल नंबर
इनका वेरिएंस निकालना। वेरियंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, पहले 50 इवन नेचुरल नंबर का वेरियंस। विल बी करेक्ट है। संकेत तुपकर चेक करें। चौधरी कल्पेश करेक्ट। चलिए देखिए सॉल्यूशन आगे। तो इतना था, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर बोला है। यदि केवल नेचुरल नंबर बोलते पहले 50, अपन जानते हैं कि पहले 50 नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस हुए, वेरिएंस के लिए अपन जानते हैं एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन 12, ये पहले एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस का फॉर्मूला है। अब पहले 50 नेचुरल नंबर का यदि वेरिएंस पूछा होता तो यहाँ पर एन की जगह पर 50 डाल आंसर आ जाता। लेकिन अब आपसे पहले 50 इवन नेचुरल नंबर, इवन बनेंगे कैसे, 50 नेचुरल नंबर को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन नेचुरल नंबर बन जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि मैंने हर ऑब्जर्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया है, और यदि हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वेरिएंस जो है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाए, तो हमारा वेरिएंस ये बन जाएगा रिक्वायर्ड वेरिएंस। और एन हमारा कितना है 50, तो यहाँ पर एन की जगह पर 50 डाल तो कैलकुलेट करोगे तो ये 2500 माइनस 1 2499 बाई 3 आता है, और ये 833 है। तो 833 इज द करेक्ट आंसर। केवल इतना ही करना था, बहुत काम का फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो 833 इज द करेक्ट आंसर। इवन नेचुरल नंबर बोले तो हर ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो गया, पहले 50 नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका वेरिएंस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 833। चलते अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर्स 2, 3, 11, 2, 3 ये ए है और 11 इज 3.5, then which of the following is true?
पहले आपको दिया है 3a² - 26a - 55 = 0 होगा, या फिर 3a² - 32a + 84 = 0 होगा। थर्ड ऑप्शन है 3a² - 34a + 91 = 0 होगा, या लास्ट ऑप्शन है 3a² - 23a + 44 = 0। विच वन इज करेक्ट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है, संकेत तुपकर करेक्ट है, चौधरी कल्पेश करेक्ट है, चलिए सभी करेक्ट हो गए, सुशांत ठाकरे को छोड़ के। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, आपको बस केवल इसमें पहले मीन निकाल लेना था, और मीन जो है वो सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, तो 2, 3, 5, 11, 16 बाई 4 ऑब्जर्वेशन है, तो ये मीन आ जाएगा। इसे दबर मीन, once you get mean, अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दें, इन सब का स्क्वायरिंग का सम करोगे, यदि अपन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालते हैं, तो ये आएगा 4 + 9 + a² + 121 + 130 + 134 + a² आता है। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए, ये आपको 3.5 गिवन है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर, दिस इज 134 + a² डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन है, माइनस मीन है 16 + a² / 16, तो 16 एलसीएम ले लेंगे बाहर, 1/4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट ओवर 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाता है, इसको ओपन करोगे इट इज 256 - 32a और प्लस का माइनस का a, ये 4 3.5 में मल्टीप्लाई होगा, कितना बड़ा था 196 हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे माइनस का बनेगा ये भी, तो ये आता है 3a² + 280
माइनस 32a, इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा, देन यू गेट द आंसर 3a स्क्वायर है ये, सो इट इज 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। दिस इतना ही कहना था, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाती जाइए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है इसमें अभी भी तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन है, इफ सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 9 एक्स आई माइनस 5 इक्वल्स टू 9 और सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 9 एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स नाइन इज, आपके ऑप्शन है 2, 3, 9 या फिर 4। संकेत तुक्कर, इनका आंसर चेक करें, संकेत तुक्कर क्या बात है, आप तो सारे रॉन्ग दे दिए आंसर, कल्पेश चौधरी करेक्ट है। सुशांत ठाकरे चेक करें, सुशांत ठाकरे ऑप्शन नंबर लिखो, ये वैल्यू लिखा है कि ऑप्शन लिखा है? सर वो वैल्यू लिखा है। चलिए देखिए, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2, फर्स्ट ऑप्शन आता है, और ये केवल इतना है, आप जानते हो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का मतलब सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है। और आपने ये भी पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि हर ऑब्जर्वेशन में मैं हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करूं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने को यहाँ पर हर ऑब्जर्वेशन में 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो मैं 5 सब्ट्रैक्ट करके जो नया ऑब्जर्वेशन बनाऊंगा उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x9 इनका जो निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम निकलेगा। तो इसलिए
यहाँ जो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर होगा वो सिग्मा एक्स आई माइनस नाइन का स्क्वायर के बराबर हो जाए, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में नाइन सबट्रैक्ट कर दूंगा तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन वही आएगा। तो मेरे को स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था 45, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9, यहाँ पर मेरे को सम दे रखा था 9, ये भी है 9 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 5 और 1 आएगा, इसलिए आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आता है, ये इसका सलूशन है, बस नहीं है। तो ये इस कंसेप्ट पर बेस्ड था कि हर ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो वेरिएंस पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस उस नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन उस नंबर की मैग्नीट्यूड वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मीन डेविएशन, कल आपको मीन डेविएशन बताया है, ऑफ नंबर्स 1, 1+d, 1+2d अप टू 1+100d फ्रॉम देयर मीन is 255, तो आपको बताना है d का वैल्यू कितना है। ऑप्शन है 10.1, 5.05, 20.2 या फिर 10, d की वैल्यू बताना है कितना। ये IIT में भी पूछा है क्वेश्चन, AIIEEE में भी पूछा है। आपको बताया था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो होता है उसके लिए फॉर्मूला, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऐसे लिखा जाता है, और ये क्या होता है, सिग्मा हर ऑब्जर्वेशन में से मीन सबट्रैक्ट करना है और डिवाइडेड बाय डेविएशंस का मीन, मीन डेविएशन होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन डेविएशन, करेक्ट है कल्पेश चौधरी, ये फॉर्मूला है। तब आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा उसकी मॉड्यूलस वैल्यू, उसका सम, फिर आंसर डिवाइड कर, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। फर्स्ट वी कैलकुलेट द मीन,
अब ये आप देख रहे हो कि ये 101 ऑब्जर्वेशन है, तो जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 1 + 1 + 1 101 बार ये आएगा, और फिर ये जो डी टू डी 100 डी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला 100 101 / 2 डी, ये हो गया सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब आप डिवाइड करोगे तो ये 1 + 50 डी बन जाए, दिस इज योर मीन एक्स बार आया। और अब मैं यहाँ पर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड लिख रहा हूँ, इन सभी को ऐड कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करके मॉड लगा दोगे तो 50 डी आएगा, फिर 49 डी आएगा, और इस तरीके से चलते चले जाओगे तो डी फिर जीरो फिर डी 2D और अब 250D पे जाके खत्म। मतलब इनडायरेक्टली ये 50 नेचुरल नंबर का सम है, उनका भी डबल हो गया, तो ये 2D हो गया, डबल कर दिया। और पहले 50 नेचुरल नंबर का सम 50 × 51/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार आता है, और वंस यू गेट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार ये आपको मिल गया, वैन से डिवाइड पर करना है। तो अब इसके सॉल्यूशन में फर्दर जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाय दिस फॉर्मूला 2550 डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 101, और ये आपको दे रखा है 255। खत्म हो गया तो क्वेश्चन, डी बराबर 255 × 101 डिवाइडेड बाय 101/10 आता है, तो डी का वैल्यू 10.1 आता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूले सही याद रखो, कहीं दिक्कत आपको नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन AIEEE और IIT दोनों में पूछा गया, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक छोटा सा क्वेश्चन लास्ट में कर लेते हैं। हटा दे रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यू 16 is deleted and 3 new observation teen 4 or 5 are added to the data, then mean of resultant data is, आपके ऑप्शन है 16.8, 16.0, 15.8 या 14.0।
विल बी करेक्ट है. सुशांत ठाकरे करेक्ट. ये क्वेश्चन है बनाने वाला है तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एडिशन डिलीशन के क्वेश्चन आते हैं. कल्पेश चौधरी करेक्ट है, संकेत तो पर छोड़ के बाकी सब सही हो गए. संकेत तो पर लगाइए आंसर, ला लीजिए. आ जाएगा संकेत तुम्हारा, छोड़ दो उसको, बता दो. हाँ सर आ जाएगा. संकेत उठे के लिए. हाँ सर हो जाएगा सॉल्व. यार तुम लोग पता नहीं क्या हो गया. मैसेज में लिख दो छोड़ दें कि बता दें. ओके चलिए वेरी गुड. तो आप सभी के एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक. मिलेंगे अगली क्लास में. आज के लिए फिलहाल इतना.